हाय गाइस, मैं हूं आपके दोस्त एंड होस्ट कवि। ताली बजाती नहीं बजवाती हूं। सुष्मिता सेन की ताली का धांसू पोस्टर रिलीज, इस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। जनाब जी हाँ जनाब, सुष्मिता सेन इस साल एक नहीं बल्कि दो प्रोजेक्ट के साथ तहलका मचाने वाली है। एक तरफ जहां एक्ट्रेस की वेब सीरीज आर्या 3 जल्द ही डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज को तैयार है, वहीं दूसरी ओर उनकी वेब सीरीज ताली भी आ रही है। 30 जून को इस वेब सीरीज का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जो कि बेहद इंप्रेसिव है। सुष्मिता सेन और गौरी सावंत ने ताली के मोशन पोस्टर को अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है और लिखा है, ला गिरा दे बिजली मुझे, मैं तो सतरंग बनूं, मैं ताली बजाती नहीं बजवाती हूँ। जनाब ताली में सुष्मिता सेन किन्नर गौरी सावंत का किरदार निभाती हुई नजर आने वाली है। गौरी सावंत ने अपनी जिंदगी में खूब दुख और दर्द झेले हैं, पर वो आज किन्नरों के उत्थान के लिए काम कर रही है। वो पैसे से एक सोशल वर्कर है। गौरी सावंत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने उन्हें जीते जी मार दिया था। दरअसल गौरी सावंत के जिंदा रहते हुए भी पिता ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। मराठी परिवार में जन्मी गौरी सावंत का असली नाम गणेश नंदन था। 7 साल की उम्र में उनकी माँ की मौत हो गई थी, तब गौरी सावंत को दादी ने ही पाला। थोड़ा बड़ा होने पर गौरी सावंत को जब अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चला तो पिता को बताने की हिम्मत वो नहीं कर पाई, और जब बताया तो उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद गौरी सावंत ने घर छोड़ दिया। गौरी सावंत ने फिर वैजिनोप्लास्टी करवाई और उसके बाद हमेशा गणेशानंद से गौरी सावंत बन गई। जनाब ताली को जियो सिनेमा पर स्ट्रीम किया जाएगा। हालांकि अभी रिलीज डेट तय नहीं की गई है, लेकिन फैंस सुष्मिता की इस सीरीज के अनाउंसमेंट के वक्त से ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। मोशन पोस्टर को देखकर भी उनके बीच सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। फैंस सुष्मिता सेन की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें सेन नहीं कह रहे हैं। ताली को रवि यादव ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ जनाब, लोगों को है इस वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार। आपकी क्या है राय कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जनाब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।